दोस्तों एक बार फिर से तैयार हो जाइए जानने के लिए कुछ अनोखे स्लैशर मूवीज के बारे में। इनके अलावा मैंने ऑलरेडी स्लैशर मूवीज के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं और उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आज के इस काउंटडाउन में कुछ ऐसे भी मूवीज हैं जो कि आप अपने परिवार के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इन मूवीज में कुछ ऐसे दृश्य दिए गए हैं जो कि आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए जानते हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग और खतरनाक स्लैशर मूवीज बारे में, जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। नंबर 10, बुचर्स। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। मूवी रिलीज की गई थी 2020 में। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे खतरनाक जंगल से जहां पर अगर कोई भी सैलानी चला जाए तो उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, क्योंकि उस जंगल में कुछ ऐसे दरिंदे छिपे हुए रहते हैं जो कि लोगों को मारना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इन दरिंदों का लास्ट तक क्या होता है और उस जगह पर कितनी सारी जाने जाती है, ये सारी की सारी चीजें जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं टोबी ओरिजिनल पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.6। मूवी फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। मूवी हो सके तो आप अपने परिवार के साथ ना ही देखें तो ठीक है। नंबर 2, बुल्ला। मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी रिलीज की गई थी 2022 में। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसी औरत से जो कि पहले लड़कों को फंसाती है और बाद में उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मार देती है। लेकिन असल में लास्ट तक इस औरत का क्या अंजाम होता है, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं वीवा मैक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5। मूवी हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। मूवी फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। नंबर 8, इराडिकेशन। मूवी बेस्ड है थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे खतरनाक वायरस से जिसकी वजह से बहुत सारे जाने जा रही होती हैं। लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उस वायरस से अपने आप को सरवाइव करके रखना चाहते हैं, और लास्ट तक इस लड़ाई में जीत किसकी होती है ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं टोबी ओरिजिनल पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.2। मूवी फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। नंबर 7, एक्वा स्लैश। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी रिलीज की गई है 2019 में। मूवी की शुरुआत होती है एक वाटर पार्क से जहां पर अचानक से ही बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हाई स्कूल के बहुत सारे बच्चे वहां पर घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन वहां पर जाते ही एक एक करके बच्चे मरना शुरू हो जाते हैं, और लास्ट तक उस वाटर पार्क से कौन कौन सर्वाइव करता है इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कम्प्लीट मूवी। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर, और इसे IMDb रेटिंग है 10 में 5.2। मूवी हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। मूवी फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। नंबर 6, एवोकेशन 101। मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है तीन ऐसे औरतों से जिन्हें किडनैप कर लिया जाता है, लेकिन जैसे ही उन तीनों को होश आता है वो उस जगह से किसी भी तरह से अपने आप को सर्वाइव करना चाहती है, और लास्ट तक वो अपने आप को उस जगह से किस तरह सर्वाइव करती है इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कम्प्लीट मूवी। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं वॉच नाउ पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.1। मूवी फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, और इस मूवी को हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। नंबर 5, बुचर्स बुक पार्ट 2। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। मूवी रिलीज की गई है 2024 में। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है फिर से उसी जंगल से जहां पर कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो कि लोगों को मार रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि फिर से उस जंगल में पहुंच जाते हैं, और उस जंगल से और उन दरिंदों के हाथ से कौन कौन सर्वाइव करता है इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कम्प्लीट मूवी। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं फ्लिक्स ओरिजिनल पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.2। नंबर 5, रिवेलर। मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी रिलीज की गई है 2022 में। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे स्ट्रिपर से जो कि एक खतरनाक ट्रैप में फंस जाती है, और लास्ट तक उस ट्रैप से वो किस तरह सर्वाइव करती है इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है यह कम्प्लीट मूवी। मूवी बहुत ही ज्यादा एक्शन से भरी हुई है। मूवी फिलहाल किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंटरनेट का जुगाड़ इस मूवी को आपको फ्री में दिखा सकता है, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.2। मूवी हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। मूवी फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। नंबर 3, द मेन्यू। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड कॉमेडी एक्टिविटी के ऊपर। मूवी रिलीज की गई है 2022 में। मूवी की शुरुआत होती है सैलो से जो कि बहुत सारे लोगों को इनवाइट करता है अपने रेस्टोरेंट पर जो कि एक सुनसान आइलैंड पर होता है। लेकिन इस रेस्टोरेंट का नियम कुछ अलग ही है, यहाँ पर लोग खाते और मरते हैं। लेकिन असल में ये सिलसिला किस तरह खत्म होता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। मूवी
हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। नंबर टू सिक, मूवी बेस्ड है हॉरर एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। मूवी रिलीज की गई है 2022 में। मूवी की शुरुआत होती है दो ऐसे दोस्तों से जो कि एक लेक हाउस में जाकर रहना शुरू कर देती है क्वारंटाइन के समय। लेकिन इसी बीच अचानक से ही उनके घर में एक स्ट्रेंजर की एंट्री हो जाती है जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील करना शुरू कर देते हैं और लास्ट तक ये दोनों लड़की अपने आप को उस स्ट्रेंजर के हाथ से किस तरह सर्वाइव करती है इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कम्प्लीट मूवी। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर और आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 6। मूवी फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में रिलीज की गई है। नंबर वन बेबी सिटर वांटेड, मूवी बेस्ड है हॉरर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे फैमिली से जो कि पहले तो बेबी सिटर हायर करते हैं और बाद में उन्हें बेरहमी से मार देते हैं। लेकिन इसी बीच अचानक से वो फिर से एक बेबी सिटर हायर करते हैं लेकिन इस बार वो बेबी सिटर उनके ऊपर भारी पड़ जाती है और लास्ट तक उस घर से कौन कौन सर्वाइव करता है ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं टोबी ओरिजिनल पर और आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 5.4। मूवी फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।